नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट सौरभ टेक्निटर्स हूँ। आज मैं आपके सामने लावा 4G कनेक्ट M1 लेके आया हूँ। ये आपको VoLTE कॉलिंग फीचर फोन है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके ऊपर आप अपना जियो सिम कैसे इंस्टॉल करोगे। तो जियो सिम को इंस्टॉल करने के लिए आपको दो तीन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले बात कि आपको इस फीचर फोन के पीछे की साइड आपको दो सिम स्लॉट दिए हुए हैं, तो आपको अपना जियो सिम सिम स्लॉट नंबर 1 में डालना है, ठीक है। उसके बाद जब आप 1 में डाल दोगे तो उसके बाद आपको इसके सेटिंग एरिया के अंदर जाना है। सेटिंग एरिया के अंदर आप जब जाओगे तो आप यहाँ पे देखो, आपको सिम कार्ड के अंदर यहाँ पे आपको मेंशन होगा सेल्यूलर डेटा, जियो कॉल्स, जियो SMS, जियो और सेलेक्ट प्राइमरी कार्ड जियो, ये सारी चीजें। लेकिन इतने को करने के बाद भी आप देखोगे कि यहाँ पे आपको LTE और यहाँ पे कोई भी कॉल नहीं जाएगी, तो उसके लिए आपको एक और काम करना है। उसके लिए आपको इसके नीचे जाना है, और नीचे एकदम जाने के बाद ये देखिए, यहाँ पे आपको मोर लिखा हुआ है, मोर के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप सेलुलर नेटवर्क को आप फिर से सेलेक्ट करोगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद आप देखो, यहाँ पे आपको सेलेक्ट नेटवर्क मोड दिया हुआ है, ये देखिए आपको सेलेक्ट नेटवर्क मोड दिया है। इसको आपको बीच वाले बटन को दबाना है, और यहाँ पे देखिए आपको सेलेक्ट नेटवर्क मोड में आपको तीन ऑप्शन है। सबसे ऊपर आपको LTE/GSM मोड है, जो कि ऑटो है। तो आप जब ये फोन को आप परचेज करोगे तो बाय डिफॉल्ट इस मोड में होता है, तो आपको LTE ओनली पे आपको ओके करना है। जब आप इसको ओके करोगे तो आपके पास एक SMS आएगा, वो मैं दिखाता हूँ। जब मैंने इसमें पहली बार जियो सिम डाला तो क्या मैसेज आया, ये देखिए ये आपको मैसेज आया है। और ये देखिए, आप देख सकते हो कि इसके ऊपर जो ये मैसेज है, डियर कस्टमर, टू स्टार्ट यूजिंग जियो डेटा सर्विसेज प्लीज कॉन्फिगर APN। तो ये इसको कैसे आपको करना है वो भी मैं आपको जल्दी बताता चलूं। तो फिर हम वापस सेटिंग्स के अंदर जाएंगे। सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद आपको मोर के अंदर जाके सेलुलर नेटवर्क के अंदर जाने के बाद ये देखिए, आपको APN है, एक्सेस पॉइंट नेम्स, इसके अंदर जाना है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आपको इंटरनेट जो है जियो नेट यहाँ पे काफी छोटा सा लिखा है, तो इसको सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद ये APN आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आपको जियो नेट लिखा हुआ है। तो ये APN पे आपको, यहाँ पे APN पे आपको जियो नेट लिखना है, जो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ। उसके बाद यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आपके इस लावा 4G कनेक्ट M1 में जियो सिम काम करने लगेगा। और आपको अगर जानना है कि आपके इस फोन में जियो सिम काम कर रहा है कि नहीं, तो उसके लिए एक और चीज आप कर सकते हो। इसके सबसे नीचे हम बैक चलते हैं, ये देखिए, यहाँ ऐप फोल्डर में आपको सिम टूल किट है। सिम टूल किट के अंदर आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जियो 4G यहाँ पे लिखा हुआ है। तो दोस्तों, इस तरीके से इस आपको हाउ टू वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप लावा 4G कनेक्ट M1 के ऊपर आप अपना जियो सिम कैसे इंस्टॉल करोगे, और ये जो एक 4G LTE डिवाइस है, जो फीचर फोन है लावा का ये नया, तो इसके ऊपर आप अपना जियो सिम कैसे चलाओगे। तो दोस्तों, अब मैं अपना ये वीडियो को समाप्त करता हूँ। होप आपको ये अच्छा लगा हो, तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरा चैनल जो कि टेक न्यूटर, इसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप अधिक से अधिक वीडियो देख सके। अगला वीडियो लेके मैं जल्द आऊंगा, तब तक ले सायोनारा, टेक केयर, थैंक यू।